हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, मैं अभिषेक कोचिंग में कॉल किया था जी। मैंने हाँ जी, मैं अभिषेक ही बोल रहा वो पूछना था ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, बताइए कुछ जी। कौन से पोस्ट के लिए? जी। लोको पायलट के लिए, जी एनटीपीसी लोको पायलट की जी मैं तैयारी हाँ कर जी। रहा तो था जी ये लोको पायलट का आपको कोचिंग है ऑनलाइन। जी इसका फी है आपको 4,000, डायरेक्ट कोचिंग में 25,000 फी है इसका। 25,000 कैसे? अच्छा, 4,000 25,000 फी है आपको। अगर डायरेक्ट हमसे आकर के पढ़ते हैं हमारे हॉस्टल में, उसका फी है नहीं, मुझे ऑनलाइन करना है जी। जी। तो ऑनलाइन कोचिंग में आपको 4,000 में जो आपको मिलेगी, नोट्स आपके घर पर डिलीवर होगी और वीडियो जी का लेक्चर आपके व्हाट्सएप पे आएगी। तो अभी सिर्फ अगर व्हाट्सएप वीडियो की फीस बताइए तो पीडीएफ अगर बाद में आ जाता हूँ। जिसमें कि आपको, तो इसके लिए आपको अगर 3,000 वाली कोर्स लेते हैं जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो कोचिंग मिलेगी। जी, हाँ और जी। अगर पीडीएफ कोचिंग ना लेता हूँ, पीडीएफ ना लेता हूँ तो वो तो फिर प्रैक्टिस कहाँ से कीजिएगा। जी। अच्छा, पीडीएफ और व्हाट्सएप कोचिंग ला के 3,000 फीस है हाँ जी। जी। अच्छा, तो और ये कैसे लाइव क्लास होगा मैं इसमें देखिए, जैसे कि कोई भी टॉपिक है ना, सबका जी? मैंने वीडियो बना करके उसको मैंने प्राइवेट रखा है। जो भी स्टूडेंट उस कोर्स को खरीदता है तो उसको डेली प्रोवाइड होती है एक एक वीडियो का लिंक। जी तो उस वीडियो कितने कितने घंटे का रहता है? मतलब कोई जैसे कोई चैप्टर बड़ा है, 3 घंटा 2 घंटा इस तरह का। तो जैसे मतलब कि और एक वीडियो मैथ, जैसे मैथ का वीडियो है तो उसमें एक वीडियो में कितने देखिए, क्वेश्चन होते जैसे कि हैं मैथ में 32 चैप्टर है ना, जी? तो 32 चैप्टर के लिए मैंने 32 वीडियो बनाया और एक वीडियो मैंने पूरा चैप्टर सिखा दिया। मतलब जी A to Z जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है वो सब चीज़ है। और सभी जैसे जितना भी चैप्टर है सबके लिए मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, कोई भी ट्रिक मैंने यूज नहीं किया। और वहाँ पे देख करके कोई भी स्टूडेंट आसानी से सीख सकता। जी तो मतलब कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, सीखने में इजी है या ज्यादा करना पड़ेगा देखिए, सब तो हम जहाँ तक बात है कि बिल्कुल 0 लेवल स्टूडेंट पे हम काम करते हैं, जी? तो मैथ की जहाँ तक, जहाँ से 0 से शुरुआत होती है, मैं वहीं से शुरुआत किया हूँ सभी चैप्टर को। और एक 0 लेवल स्टूडेंट भी इजिली वो सीख सकता है, मतलब कि 0 से लेकर फिनिशिंग तक। जी। तो मतलब जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो जैसे कि एक जैसे ऑनलाइन में तो बहुत कम समय मिलता है ना सॉल्व करने के लिए एग्जाम में हाँ, तो पहले तो स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे हमको ध्यान देना है, कहाँ पे क्या करना है। और मेन होती है टाइम मैनेजमेंट। जी। जैसे कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं उसमें, कि क्वेश्चन को कैसे बिल्कुल माइंडली सॉल्व करना है और कैलकुलेशन फास्ट करना है। तो वह सब तरीका बताते हैं कि वो इजिली कैसे बना सकता पूरा। पहले तो सीखना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट तो बाद की चीज़ है। हाँ, तो ये सब चीज़ हम उसमें सिखाते हैं। जी। अच्छा, तो ये पूछना था जैसे कि वैसे जैसे बहुत से वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें बताते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे 2-3 सेकंड में सॉल्व करना है मैथ का क्वेश्चन ट्रिक देखिए, के तो जरिए। हाँ जी, उस तरह के क्वेश्चन वो ट्रिक बनाइएगा तो आपको उस समय तो लगे कि हाँ बना सकते हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा घुमा देता है, लेकिन जी लगता मतलब है कि सबका इसी ट्रिक। हाँ जैसे, जी, हाँ लगता है जैसे कि हाँ सबका हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे कोई ट्रिक के जरिए सॉल्व करवाता है, जैसे कोई कोई जी बोलता है जी कि ट्रिक पर मत सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि जैसे और अच्छा होगा, तो किसी सबका अलग अलग तरीका होता देखिए, है। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, जैसे कि मैथ में आपका अभी क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको करना पड़ेगा कि जैसे कि मैथ है, हमको जैसे कोई भी एग्जाम लीजिए, जैसे NTPC, तो 25 मार्क्स, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तो पूछता मैथ का। तो इस 30 क्वेश्चन में से हमको 25+ नंबर हमको चाहिए होगा। तो इसके लिए अब देखिए, मैथ का जो क्वेश्चन माइंडली भी बना सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि एक चैप्टर में सैकड़ों टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ट्रिक एक टाइप के क्वेश्चन पे एक ही बार में मतलब अप्लाई होता है। तो इसके लिए है कि एक चैप्टर कंप्लीट करने के हमको सैकड़ों ट्रिक याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने तरीका क्या बनाया कि बनाते हैं बिल्कुल जैसे कि कोई भी ट्रिक होती है, वो भी तो एक इक्वेशन ही होती है। तो हम क्या सोचे कि क्वेश्चन को बस पढ़ें और क्वेश्चन को ही एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, मतलब माइंडली। तो वो अब इक्वेशन बन गया, ट्रिक भी तो एक इक्वेशन ही है। तो अब उस इक्वेशन को माइंडली हम लोग सॉल्व करना सिखाते हैं। तो इससे हम देख रहे हैं कि लगभग में 75 to 80% क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल माइंडली बन जाएगा।
जी और लगभग हमें 40% क्वेश्चन जो है जिसके लिए आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन पढ़िएगा और माइंड में ही सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वो सब जी तरीका हम डेवलप किए हैं, तभी तो हम 2-3 घंटे के अंदर में एक पूरा चैप्टर खत्म कर पा रहे हैं। और इसके लिए मैंने बुक लिखा है, तो जी उसी बुक में से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है 0 से लेकर के हाई लेवल तक में है। स्टार्टिंग 0 से होगी और बिल्कुल अच्छा जैसे जैसे रीजन आगे तो बढ़ेगा। वो हाँ जैसा कि हाँ अभी अपने होता है 32 पार्ट में आपने डिवाइड किया है मैथ हाँ का जी जो हाँ सिलेबस जो है, जी तो जो फर्स्ट चैप्टर से तो ऐसा इजी इजीली है स्टार्टिंग से, फिर ऐसा डिफिकल्ट होता जाता है हाँ क्या? जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा जी वैसे थोड़ा थोड़ा आपको भारी मिलता जाएगा। जी हाँ तो स्टार्टिंग मैंने इस तरह से क्वेश्चन को एस्केंडिंग ऑर्डर में सजाया ताकि एक जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना वो भी आराम से सीख सकता है। जी तो और ऐसे हमको एक प्रैक्टिस बात, करते हाँ करते हाँ नहीं, बस हाँ जी है तो रिहर्सल अच्छी हो जाएगी, जैसे कि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना हाँ, उसको। क्योंकि आपको पता चला कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है। यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और ट्रिक वाला क्या है कि वो आपका बना बनाया हुआ चीज आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा भी आपका क्वेश्चन बदलता है तो आपका ट्रिक तो वही रहेगा, तो इससे जी आपका जी आंसर पे कमांडिंग नहीं हो पाएगी और आपका बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कि उतना मतलब अच्छा नहीं है जैसे कि ट्रिक पे है। जैसे कि आपका देखिए सगीर अहमद किताब ट्रिक के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, जी जबकि आप खुद देखिएगा उस किताब में क्या देखा होगा कि मात्र 17% क्वेश्चन को ही ट्रिक पे सॉल्व किया गया है, जी सिर्फ 17% क्वेश्चन को। तो जी आप सोच सकते हैं कि जो राइटर उतना बड़ा किताब लिखा है, जब वो खुद राइटर जब 17% क्वेश्चन को ही ट्रिक पे सॉल्व कर पा रहा है, तो सिर्फ तो उसकी मार्केटिंग चल रही है और कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट जी कितना परसेंट कर पाएगा। तो मेरा बस एक ही फंडा है कि बस मैथ हमको 100% चाहिए, और अगर चैप्टर एक है तो उसका फॉर्मूला भी एक ही होना चाहिए। जी और मैथ एक तरह की प्रॉब्लम है जो कि हमको सॉल्व करना है, और वो भी ये अपने तो तरीके हाँ से। हाँ बिल्कुल ये तो आपने भी ये एग्जाम क्रैक किया है क्या रेलवे का? हाँ जी हाँ, हम 2 बार लोगों पायलट किए क्रैक, 2014 में 2018 में। जी तो ये फिर तो ये जैसे कि होगा। अच्छा रीजनिंग फीजिंग के लिए कैसे करवाते हैं? वो सब भी बिल्कुल जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका मैथ है, नंबर 2 आपका रीजनिंग है, नंबर 3 आपका साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी अच्छा तो ये पूछा था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। जी सर तो वो तो मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 11th 12th में कॉमर्स से किया हूँ तो देखिए उतना पता बात नहीं यह है ना है। कि जैसे कि पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी बुक है वो सबको मैंने लिखा है, हम स्टूडेंट को देते हैं वही पढ़ने के लिए। और उस बुक को मैंने इस तरह से डिजाइन किया, जब आप सोच सकते हैं हम खुद स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और हम इस सब एग्जाम को निकाल के बैठे हुए हैं, तो हमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट क्या सब पढ़ता है, क्या गलती करता है। और सब जो मार्केट का जो बुक देख रहे हैं हम लोग उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उसको मटेरियल को कुछ इस तरह से मतलब वहां पे दिखाया जाता है कि याद करने मुश्किल होती है, लेकिन हमारे नोट्स में जो हमने लिखा है बुक्स मास्टर नोट्स, तो इसमें है ना कि मतलब वो सब क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल 1 लीनियर करके लिखा है और 1 2 3 4 नंबरिंग करके लिखा है। जैसे मान लीजिए जैसे कि हमको फिजिक्स में पढ़ना है जो ग्रेविटी चैप्टर, तो सबसे पहले एक बात तो क्लियर होनी चाहिए ना कि हम आखिर पढ़ना कितना है हमको। तो हमको फिजिक्स पढ़ना है तो कितना चैप्टर पढ़ना है, तो मेरे अनुसार 22 चैप्टर आपको पूरा फिजिक्स का आता है, जिसमें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सभी क्वेश्चन कवर होते हैं सभी चैप्टर। तो आपको तो एक आइडिया मिलेगा कि हमको 22 चैप्टर पढ़ना है। अब इस 22 चैप्टर का पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर इस तरह से हम 22 चैप्टर कवर करते तो हमको फिजिक्स पूरा आ गया। अब उस चैप्टर को हम पढ़ें और एक चैप्टर में जितने क्वेश्चन हम पढ़ ले उसका 90% तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल टैली करेगा, क्योंकि मैंने 100% मतलब उस चैप्टर का क्वेश्चन निकाल कर वहां पे लिखा है। हाँ तो अच्छा इस तरह तो से हमने ये उसको सारे डिजाइन सारे किया है। सब्जेक्ट के वीडियो अलग अलग होंगे ना? हाँ बिल्कुल, सबके सभी चैप्टर वाइज वीडियो होगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स अलग अलग होगा। जी तो ऐसे ये कैसे दिन में एक एक वीडियो करवाते हैं उसके टाइम से कि ये सब ऐसे लिंक प्रोवाइड करेंगे? हाँ सबका हम लिंक देते हैं, उसको स्टूडेंट लोग डाउनलोड कर लेते हैं, बस उस वीडियो को बस आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक बार। और एक वीडियो जैसे कि हमने जैसे किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए, पहला चैप्टर आपने सीख गया परसेंटेज चैप्टर,
तो परसेंटेज चैप्टर के बाद जैसे कि मैथ को, अगर मैथ ही मेन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट किसी का भी, जी तो मैथ को मैंने 6 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें कि पहला ग्रुप है आपका परसेंटेज ग्रुप। जी तो परसेंटेज ग्रुप में मैंने क्या देखा कि 6 जो चैप्टर है, 6 चैप्टर, ये सब के सब बिल्कुल परसेंट पे ही आधारित है, सबका सब बिल्कुल परसेंट पे ही बन जाता क्वेश्चन। जो कि जी चैप्टर है आपका परसेंटेज, तो हो गया पहला, नंबर 2 लॉस एंड प्रॉफिट, नंबर 3 ये डिस्काउंट, नंबर 4 पार्टनरशिप, नंबर 5 सिंपल इंटरेस्ट एंड नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जी जो 6 चैप्टर है, ये सबको हम बिल्कुल परसेंट के रूल पे ही बनाते हैं। तो यानी ये 6 चैप्टर का सिर्फ एक फॉर्मूला, परसेंट का जो रूल है वही। जी तो ये 6 चैप्टर आपको स्टार्टिंग करनी है उसका। फिर नंबर 2 जैसे कि आपका है स्पीड ग्रुप का चैप्टर है, इसमें आपको हम 4 चैप्टर सिर्फ एक फॉर्मूला पे करवाते हैं, जी जो कि होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन चैप्टर, बोट एंड स्ट्रीम और रेस चैप्टर। ये इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस, ऐसा हाँ जी हाँ, जी तो ऐसा ये इसके लिए मतलब जैसे आपने सिलेबस किया चैप्टर है, तो इसके लिए ड्यूरेशन भी लगभग तय होगा ना कि कितना वक्त लगता है तैयारी में? तैयारी तो वो सब कुछ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तैयारी में मतलब कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, जी तो एक्चुअली टाइम ज़्यादा क्यों लगता है जब हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते? तो जब हम किसी चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं तो टाइम हमको कम लगती है। जी तो आपके पास फुल एंड फाइनल सिलेबस ये रहा कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है। जी जीके का जो पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब हमको पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें से सब मिला के सिर्फ 7% क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, 7%। जी जी इसलिए इसको हम साइड करते हैं, और हमारा मेन फोकस मैथ, रीजनिंग, साइंस पे रहती है और करंट अफेयर्स पे। यही आपका 93% क्वेश्चन को कवर करता है। तो क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा टफ होते हैं क्या ऐसे साइंस वाइंस का? ये तो पढ़ना होगा ना इसको तो? तो हाँ, देखिए हमको पढ़ना बिल्कुल स्टार्टिंग 0 से लेकर लास्ट तक हमको पढ़ना है। तो जितना जी भी इजी क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, सब हमको आ जाएगा। जी और तो ये रहा आपका पढ़ने का तरीका। तो जैसा वीडियो 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 प्रोवाइड करते हैं लिंक, तो ऐसे डे पर डे में कितने करते होंगे हर रोज? जैसे कि हम ये पूरा 3 महीने में फुल जी कोर्स करवा देते हैं स्टूडेंट लोगों का। जी तो मतलब ये 3 महीने करवाएंगे हाँ, आप? 3 महीने का मेरा टारगेट होता है कि उसको सभी सब्जेक्ट 93% तक उसको तैयारी करवा दें, मतलब सबका उसको हम वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं 3 महीने में, और उसका रेगुलर क्लास चलती है। और स्टूडेंट के जी पास वो वीडियो का लिंक रहता है, तो वो जैसे कि आज का लिंक अगर आपका छूट गया, वो सबका मेरे सॉफ्टवेयर है मेरे पास। जी अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपके व्हाट्सएप नंबर को हम उस सॉफ्टवेयर में लिस्ट कर देते हैं, और वो डेली बैच बनती है, तो आपको डेली का उसमें आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिक। मतलब 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है? हाँ, 3 महीने में कंप्लीट, कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी 3 महीने में कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग वे में हम उसको बताए। जैसे कि पूरी दुनिया आपको ट्रिक पे बताती है, हम सिर्फ एक फॉर्मूला पे 3-4 चैप्टर निकाल सकते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है सीखना इसको। जी, मैंने वीडियो देखा था आपका यूट्यूब पर, तो मुझे वहाँ जी पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जी मैंने जी और भी कई जगह देखा तो हाँ सोचा हाँ कि तो आपका थोड़ा लगा अलग, तो मुझे लगा बात करनी चाहिए, हाँ आपसे जी करना बिल्कुल, चाहिए। चलिए अच्छी बात है। जी तो ये बात रहे थे, तो ये 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भी मिलेगा? हाँ, वैसे हम आपको बोलेंगे कि आप हार्ड कॉपी वाली नोट्स लीजिएगा ना, तो जी, आपको हाँ मैं भी ज़्यादा वही चाहता फायदा हूँ कि होगा। हार्ड कॉपी लूँ तो मैं, ताकि मैं घर पर भी पढ़ सकूँ अच्छे हाँ, से। जी पीडीएफ में पढ़ने में आपको होगा नहीं, फिर भी आपको तो निकलवाना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं से, जी लेकिन आप हार्ड कॉपी में तो आपको बुक बना हुआ मिलेगा। तो हार्ड कॉपी से कितना प्रॉफिट मतलब होगा? अच्छा सही होगा पढ़ना? वैसे पीडीएफ भी वही चीज़ है, हार्ड कॉपी भी वही चीज़ है। जी तो वैसे जहाँ पे हमारा हार्ड कॉपी, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट की, मतलब कि वो लोग बोलते हैं कि हम उसको निकलवा लेंगे तो हमको बस पीडीएफ ही चाहिए, तो हम उसको पीडीएफ देते हैं। लेकिन जो लोग पीडीएफ लेकर के घर पे भी निकलवाना ही चाहिए उनको, तो घर पे जी निकलवाए तो उसको ज़्यादा मतलब कि महंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको बुक बना के ही यहाँ से भेजते हैं। जी तो मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बुक पढ़ने से फायदा होगा, मतलब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, उससे आता है, समझ आता है, उसे पढ़ मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। हाँ, आपको बोलता है ना कि 90% तक क्वेश्चन हमारे नोट्स में से ही आएगा, इस बात की आपको फुल गारंटी होगी।
जी पीडीएफ में भी सारे नोट्स होंगे हाँ जी हाँ, उसमें भी है। जी। हाँ तो ये बोला था, तो ये कितने दिन में डिलीवर्ड हो जाएगा? हाँ अब ये पीडीएफ पीडीएफ लीजिए तो आप जिस समय पेमेंट करते हैं उसके 1 घंटे में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपको वो 3 से लेकर के 6 दिन लगेगा आपको घर पहुंचने में। जी। हाँ तो जी मुझे हार्ड कॉपी चाहिए था, कैसे सही कौन सा हो रहा है? हार्ड कॉपी लेना ही सही रहेगा ना हाँ बिल्कुल, हार्ड कॉपी लेना सही रहेगा। जी? हाँ तो मुझे भी हार्ड कॉपी चाहिए था, वो मुझे व्हाट्सएप कोचिंग चाहिए थी तो आपसे, तो हाँ जी तो जी उसी के बारे में बात करते हैं, मैं सुबह कॉल भी कर रहा था आपको। जी हाँ जी तो मैं बताता हूँ 1-2 दिन में, पर करना बोलना है मैं कॉल करूँगा आपको। ठीक है, ओके। और वो पेमेंट का प्रोसेस कैसा है पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट हम लेते हैं, गूगल पे जी? फोन पे कर सकते हैं। हाँ फोन पे कर सकते हैं हाँ जी तो पूरा एक ही बार में करना है कि इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं 2 बार में कैसे? वैसे ये कोर्स पूरा 10,000 का है, लेकिन इसको कम करके 4,000 किए हैं, तो एक ही बार में करते हैं तो बेहतर रहेगा। जी तो 3-3 हज़ार में हो जाएगा ना वो वीडियो कोचिंग व्हाट्सएप और पीडीएफ भी? हाँ जी 3,000 में वीडियो कोचिंग प्लस पीडीएफ, अगर 4,000 का लेते हैं तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स और वीडियो कोचिंग मिलेगी। अच्छा वैसे हार्ड उसको आप बाद में कॉपी ही मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 3,000 वाला ही लीजिए। जी, तो 3-3 हज़ार में पीडीएफ मुझे कैसे मिलेगा? आपके व्हाट्सएप पे, हाँ अच्छा व्हाट्सएप पे मिलेगा वो। व्हाट्सएप पे तो पीडीएफ आ जाएगी। हार्ड कॉपी चाहिए तो 4 हज़ार लगेगा हाँ जी? ठीक है सर मैं कॉल करूँगा आपको 1 साल तक ठीक, ओके। क्या नाम हुआ आपका? जी। मेरा हरेंद्र द्विवेदी नाम है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है अच्छा, यूपी से बोल रहे हैं आप? जी। यूपी में कहाँ से? अच्छा नहीं, यूपी नहीं, एमपी से मैं हूँ मध्य प्रदेश, कहाँ से? जी, एमपी सिंगरौली से, बिननगर सिंगरौली सुना है हुआ, एनटीपीसी कंपनी है, ओके। सागर किधर पड़ता है? सागर से आगे पड़ रहा है अच्छा चलिए ठीक, अच्छी बात, जी सर। ओके सर मैं कॉल करूँगा आपको। ठीक ओके। ओके थैंक यू सर।